हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, पार्ट 2। घड़ी में देखिए सुबह के 8:30 हुए हैं और डेट है 17 मई। लेटर आई वॉज सीटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज खुड़ खुड़ खुड़। आई ओपन माई आईज। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई, खड़ खड़ खड़। आई ओपन माई आईज। गेस व्हाट आई सॉ। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगा। मैंने क्या देखा? हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। द व्हील्स रैटेड एज देयर वॉज नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी था। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen. पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। देखिए जब ट्रेन ब्रिज से जाती है तो कैसी आवाज़ आती है। Rattling sound of train's wheel. The loud sound a train's wheels make when it is moving on an iron bridge having no ground. Or bridges are the tall structure that allow people or vehicles to cross from one side to another. देखिए पिक्चर में दो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, एक सीमेंट कंक्रीट का है और दूसरा मेटल का है। जब मेटल के ब्रिज से रेलवे के पहिए, वो भी मेटल के होते हैं, तो आवाज़ निकलती है। और जो ब्रिज है ऊपर का, उसमें सीमेंट कंक्रीट का ब्रिज है और जो गाड़ियाँ जाती है उनसे इतना आवाज़ नहीं आता। ऑन द बैंक्स आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम अवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से है, ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर। क्या तुमने पुल देखे हैं कहाँ? यस आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस वाइल गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम इन ट्रेन। हैव यू यूवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो कहा? यस आई हैव क्रॉस्ड सीमेंट ब्रिज वाइल कमिंग टू स्कूल एंड ऑल्सो इन माई ट्रेन जर्नी। वाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर। पुल किस पर बना था? द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर अ रिवर। व्हाट डिड
यू सी बिलो द ब्रिज, तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? आई सॉ वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज. फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड, पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं. ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल टू क्रॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ओवर अ रिवर. देखिए डेट तो वही है, डेट तो वही है 17 मई, और घड़ी में बजे है 11:30. द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रेडी माई कॉमिक्स. पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे. नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड्स. सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क. इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटल कोल्ड इनसाइड. बाहर बहुत तेज धूप खिली थी. अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया. थोड़ी ठंड भी लगने लगी. आई वॉज अफ्रेड. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क. समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल. दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन. मैं बहुत डर गई. कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल अंधेरा था. किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे. पहाड़ को काटकर बनी सुरंग. ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी. यह है सुरंग यानी टनल. ये देखिए बहुत बड़ा पहाड़ होता है, इसे खोदा जाता है और इसके अंदर से जो रास्ता बनाया जाता है उसे कहते हैं टनल. एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन. आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन. ऐसे लग रहा था कि टनल ख़त्म ही नहीं होगी. जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई. खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी. द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल. अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू फोर स्मॉलर टनल्स. नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स. ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी. अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं. तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं. अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है. हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हाउ डिड यू फील? क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसे लगा? यस आई हैव बीन थ्रू अ टनल. इन द बिगिनिंग आई यूज टू फील नर्वस, बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई नो इट इज फॉल्स सेफ. द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स? गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है. तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कॉस्ट मेनी वाटर
bodies and hills. So to cross them there are so many bridges and tunnels. देखिए ये है गुजरात और ये है अहमदाबाद. यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फिर महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र से गोवा आई, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से केरला जा रही है. ये जो सभी स्टेट है ये कोस्टल है, यानी सी समुद्र के किनारे पर है, इसीलिए यहाँ बहुत सी ब्रिजेस है. नाउ इट इज़ आफ्टरनून. अब दोपहर हो गई है, घड़ी में देखिए 12:15 हो चुके हैं. फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडीपी स्टेशन. हमने उडीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया. यह है उडीपी स्टेशन और इसी स्टेशन से इडली वड़ा खरीदा था, इसे कहते हैं इडली. वहाँ से हमने केले भी खरीदे. वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज. दीज वेयर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी. जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि बनाना भी खरीदे और वो साइज में छोटे थे और बहुत टेस्टी थे. द सीन्स आउटसाइड हैज चेंज्ड अगेन. नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर. बाहर का नज़ारा फिर बदल गया. अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं. अम्मा सेज दैट दीज आर पेडी फील्ड्स. द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट. पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद. अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है, बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है. यहाँ के गांव और यहाँ के बने घर, जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है. ये देखिए ये है अहमदाबाद के लोगों का पहनावा, घाघरा और पुरुषों का भी डिफरेंट है. उडीपी केरल के लोगों का पहना क्रीम कलर की साड़ी और क्रीम कलर का धोती और पैजामा. ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं. अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़े भी हैं. सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड विच कम्स एट अराउंड 6:00. वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन. शाम 6 तक कोझीकोड पहुँचेंगे. सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा. हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है. तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा. देखिए यह है गुजरात और इसमें अहमदाबाद. यहाँ से ट्रेन चलकर फिर गोवा गई, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और फिर केरला. केरला का कोझीकोड में सुनील की फैमिली उतर गई थी. विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम. तुम घर में कौन सी भाषा बोलती हो. इसमें आंसर लिखना है तुम जो घर में भाषा बोलती हो, जैसे आप यहाँ हिंदी बोलते हो, हिंदी या भोजपुरी जो भी लिखना है लिख सकते हैं. ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमनास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री. फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स इट क्रॉस. देखिए मैंने आपको मैप में बताया था कि द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड फाइनली केरला. डी
did you ever have coconut water? How did you find it? क्या तुमने नारियल पानी पिया है? कैसे लगा? चर्चा करो. आंसर: कोकोनट वाटर फील्स वेरी स्वीट एंड रिफ्रेशिंग. ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट. नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उसे उस पर चर्चा करो. यह है नारियल का पेड़ का पिक्चर. फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती है. लैंग्वेज भाषा वेयर इट इज स्पोकन जहाँ बोली जाती है वो राज्य. मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका. देखिए अब घड़ी में 9:30 हुए हैं. नाउ इट इज़ नाइट. रात के 9:30. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. अब रात हो चुकी है. हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है. लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा. वहाँ हमें उतरना है. देखिए ये येलो कलर में था. कोझिकोड. यहाँ सुनील की फैमिली उतरी और इन्हें उतरना है. ये पिंक कलर में दिख रहा है आपको. ये है कोट्टायम. ये भी एक केरला का डिस्ट्रिक्ट है. इन्हें यहाँ टू नाइट वी विल गो टू वल्लियम्मा हाउस. आज रात को हम वल्लियम्मा के घर जाएंगे. टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मूमा विलेज. वल्लियम्मा मीन्स होती है अपने मदर की बहन यानी मौसी. मौसी को ये लोग वल्लियम्मा कहते हैं. और अम्मूमा यानी अपने मदर की मम्मी जिसे हम नानी कहते हैं. वी ऑल आर क्वाइट टाइड. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आई विल पुट माय डायरी अवे नाउ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मूमा हाउस. सभी बहुत थक गए हैं. आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है. बाप रे कितना लंबा सफ़र तय किया हमने पर मज़ा भी बहुत आया. अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ. अम्मूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी. तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? योर्स मदर सिस्टर. माँ की बहन को क्या कहते हैं हम? मौसी मासी और वहाँ वल्ली अम्मा. योर मदर्स मदर. माँ की माँ को हम ग्रैंड मदर, नानी, दीदू और ये अम्मूमा. योर फादर सिस्टर. पिताजी की बहन को बुआ पेसी. पिताजी की माँ को योर फादर्स मदर दादी थक्कू माँ एक्सेट्रा. इसके बाद का चैप्टर हम बाद में देखेंगे. बाय.